दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन है ना, और आपका स्वागत है हर्षवर्धन के अनबॉक्सिंग चैनल। तो आज फिर मैं अभी आ गया अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो आज देखिए, मैं दूसरी बुक पे अनबॉक्सिंग करने लाया हूँ, और ये बुक मैंने अमेजॉन से ऑर्डर की है। तो अब देखते हैं ये बुक क्या है, कौन सी बुक है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। मैं इसको अनबॉक्स करके देखता हूँ कौन सी बुक है। ये है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, ये बुक मैंने ली है 400 में। ये बुक मैंने 400 में ली है। और ये देखिए इसका ये बिल था यहाँ पे। ये भी कहाँ से आया आपका? ये भी आपका चेन्नई तमिलनाडु से आया। बहुत दूर दूर से बुक आ रही है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक आई एन सोमरविले। तो इसको मैंने 400 में लिया। एक्चुअल इसकी प्राइस आई थिंक तो इसकी प्राइस वैसे 929 है। सो यहाँ पे शायद लिखा हो कहीं दाम, लेकिन मैंने इसको 400 ऑफर में था, तो मैंने इसको ले ली बुक। तो ये है आपका आई एन सोमरविले, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है और 499 बुक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर एलाइन सॉफ्टवेयर, ये सारे कंटेंट हैं। इंडेक्स नहीं होते, कंटेंट होते हैं। ये हो गया आपके रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, फिर सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन, फिर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, डिपेंडेंसी एंड सिक्योरिटी, फिर रिलायबिलिटी, फिर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर ये सब टॉपिक्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड ये सर्वर ओरिएंटेशन सॉफ्टवेयर। हम उल्टा देख रहे हैं ना, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए कोई वो मत मानिएगा, क्योंकि मैं उल्टा देख रहा हूँ ना, आपके लिए सीधा कर दिया। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम हो गया, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, ये सब सारे इसके कंटेंट हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा स्पीड में स्लोप में देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखता है। इंट्रोडक्शन अपार्ट काफ़ी अच्छी डिजाइन बुक है, और ये है कुछ इस तरह से बुक, और ये है बुक। तो इस तरह से बुक दिखता है आपका। तो ये है आपकी बुक, और काफ़ी थ्योरी पार्ट है इसमें, अगर आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब आई थिंक जो बहुत है इसमें थ्योरी पार्ट, लेकिन काफ़ी कुछ है इसमें, जितना लोग आपके मशीन सिलेबस से ज़्यादा क्लियर होगा। इससे अगर मशीन सिलेबस अगर नापेंगे आप लोग, तो आई थिंक 70% होगा, 30% इसमें एक्स्ट्रा होगा। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी है ये सब। 30% तो मैं ज़्यादा ही बोल दिया आपको, लगता है 60 और 40 का रेशियो होगा। 60% सिलेबस में इसके से होगा आपके नजदीक, जो भी आपके नजदीक में सॉफ्टवेयर में होगा, और 40% इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ इसमें सब क्या क्या होता है। ओके, आप देखते रहिए। तो ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी है, कोई भी खराबी नहीं। मैं थोड़ा सा मोशन में इसको देख सकते हैं और देख लीजिएगा। ओके, सो ये है। मैं सैनिटाइजर थोड़ी बाद में कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले दिखा दूँ, मेरा हाथ अभी तो इन्फेक्टेड है, लेकिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी सैनिटाइजर कर लूँगा और हाथ को धो लूँगा, उसकी चिंता मत करिए। सो इस तरह से कुछ ये बुक दिखती है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे पलटते पलटते दिखाऊँ, तो आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा पूरा थोड़ी दिखाऊँगा, लेकिन ठीक है। ओके, दिखाता हूँ मैं इस तरह से सिस्टम कोई था, और काफ़ी कुछ था। ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर हो गया, ये इस तरह से फिगर ओवर काफ़ी अच्छे से दी गई है, समझाई गई है, और काफ़ी अच्छी बुक है ये, और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट ये है सब, ये काफ़ी अच्छी है। और ये आपका इंडेक्स आ गया, अब ये कभी फल नहीं इंडेक्स आया। इंडेक्स हमेशा लास्ट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपने हाथ में जो बोलता हूँ इंदा नहीं बोलूँगा, इंडेक्स अब हमेशा लास्ट में होता है। तो मैं ये अनबॉक्सिंग के चैनल तब तक खोलूँगा जब तक मैंने उसको जो बनाई पर, और उसके बाद जब जो मेरे रिक्वायरमेंट है बस मैं उसको ले आके अपलोड करता हूँ। मेरे कोई इंटेंशन नहीं कि मैं खुद आप लोग के लिए खरीदता हूँ स्पेशली और फिर बनाता हूँ। ये मेरा काम आता है, जो मैं मंगाता हूँ उसको मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।